would never be scared of anyone, but she never said anything to them. She's been working with them for 3 years. कहीं लगी तंगो इमाने हत्या कर ले सेटा किसी अपन जाने चाहिए सेटा तो जाड़ी नहीं आई है सेटा तो जाड़ी दिलो बल्ले से जेन दुष्कर्म करूं थी से जेन राख्यास उपिन साहू सेटा मुझे सही नहीं पारी करी उधर तो पौधा फस देखा मी तोर पुरुष मुझ देखे रे मी से बूटे कारण रे मुझे को हत्या कर दी उसको जलाया गया, उसको सारी इंसानियत की सारी हदें पार कर चुके हैं इस केस को। और ये भी पता चला है यहाँ से कि ये कोई अचानक से कुछ हुआ नहीं है, ये पूरा प्लान्ड है और ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। यहाँ से मेरी जो सारे पूरा सरकार हिल जा, मुझे मीन्स जबकि जो पुलिस भाई भी यहाँ पे खड़े हैं और बहन भी हमारे हैं, उनके मुझे बोलने में झिझक नहीं होगी कि ये भी बात निकल के आ रही है कि होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। होम मिनिस्टर का यहाँ पे इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा आना जाना था। अगर प्रदेश का होम मिनिस्टर ही ऐसा हो तो प्रदेशवासियों कैसे सुरक्षित रहेंगे। ओडिशा के लोगों की सुरक्षा की बात अगर करते हैं, जिस कॉलेज में ये बेटी पढ़ा रही थी सिर्फ क्योंकि उसने गलत चीज़ों को पकड़ा वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत सारे सालों से अब तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ चढ़ के निकल भी रही है। मुझे आप ओडिशा के जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई तो कई लोग आके बोल चुके हैं कि 20 साल पहले कैसे एक छोटी बेटी का, 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, ट्रैक्टर से रौंदा गया, कलेक्टर के सॉरी पुलिस थाने जब गए तो जो लोग गए थाने में उनको तक बंद कर दिया गया था। ये कौन सा राज चल रहा है? क्या हम जंगल राज में जी रहे हैं? आप सभी की बेटियां हैं और अगर इस तरीके से ओडिशा में ऐसे होम मिनिस्टर रहे, हमारी सबसे पहला मांग होगा कि इस केस का जांच अगर हमें निष्पक्ष तरीके से करना है तो सबसे पहले होम मिनिस्टर को हटाया जाए, होम मिनिस्टर को कस्टडी में लिया जाए, उनसे सवाल किया जाए कि वो हर हफ्ते वहाँ पे, हफ्ते में 2 बार 3 दिन वहाँ पे क्या था कि वो वहाँ पे उसे वहाँ पे जाने की ज़रूरत थी। उसके अलावा अंडरग्राउंड उस हॉस्टल में क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड जो पूरे रूम्स है उस कॉलेज में तहकीकात हो। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जब क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया, गोविंद साहू पकड़े गए, पुलिस हिरासत में ले लिया, लाइट चली जाती है, लाइट पुलिस स्टेशन में चली जाती है, बड़ी फिल्मी स्टाइल है ये।